आप बड़ी जल्दी घर आ गए हैं। अच्छा बैठो, मैं देखती हूँ दरवाजे पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम भाभी जी, मैं ये कहना सी कि तो मेरे को पैसे नहीं सी। वो कह रहा सी कि आपको चीज़ मंगवानी है या आपको कोई काम है तो मुझे बता दो, तो मैं मुझे ऑयल मंगवाना था। तो मैंने उसको बोल दो, मैंने कहा सामने से ऑयल का ही पैकेट लिया, मैंने उसको 500 दिया था। तो मैं इतनी देर हो गई, तो मैंने कहा जहाँ पर पूछ लूँ भाभी से, कहते हैं घर तो नहीं आ गया। नहीं, अभी तक वैसे तो आया नहीं है, लेकिन जब वो आएगा तो मैं उसको बोलूँगी कि वो आपका ऑयल ला के आपको दे दें। ठीक है, जब आएगा ना तो मुझे बता दें। अल्लाह अस्सलामुअलैकुम भाभी जी। वालेकुम सलाम, की हाल है। कहना था कि थोड़े दिन में मेरे को पैसे दे रहे थे, वो कह रहा था कि आपको कोई चीज़ मंगवानी तो मैं ला देता हूँ आपको। तो मैंने कहा मैं सामने से फिर चार ला दे मुझे, तो अभी तक आया नहीं। मैंने कहा घर पे आ गया, तो मैं पूछ लूँ घर जाके भाभी से। नहीं, ऐसे अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन जब आएगा तो मैं उसको बोल दूँगी कि वो चार लेके ना आपके घर आपको आके दे दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा भाभी जी, अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम भाभी जी, मैं ना थोड़े गुंडे को पैसे नहीं दिते, तो कह रहे हैं कि वो कह रहा था कि आपको कोई चीज़ मंगवानी होगी तो मुझे बता देना, मैं आपको ला दूँगा, पता है मुझे सारा। चलो फिर जब वो आएगी ना, नहीं नहीं वैसे मैंने उसको पैसे बेसिक के लिए दिए थे, जब वो आएगी ना तो उसको बोल देना कि वो घर पर परेशान है। आप टेंशन ना लो, जब वो आएगा तो मैं उसको बोल दूँगी कि वो आपका बेसर आपको दे देगा। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सबसे पैसे लेके क्यों कसर कर रहे हैं आपका, तो पूछ के पैसा। अस्सलामुअलैकुम, इधर आ। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, किधर गया हुआ था। सारे मोहल्ले के लोग यहाँ पे जमा हुए थे, सारे बोल रहे थे कि तूने उन सबसे पैसे लिए हैं। ठहर जा जरा, मुझे बताती हूँ अभी। तूने उन सबके जाके चीज़ें दी हैं। वो तो मैंने कहा मैं सबकी मदद कर दूँ, जाहिर सी बात है सब हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के हकूक हमें किताबों में सिखाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं सबकी मदद कर दूँ। तूने सही नया तमाशा स्टार्ट किया है, आए दिन कोई ना कोई तो तमाशा करता रहता है। नहीं मम्मा, मेरे कोई वो नहीं था, लेकिन जब मैं दुकान पे गया ना तो वहाँ पे ना अलग अलग पापड़ लगे हुए थे, चीज़ें लगी हुई थी, मेरा दिल में कुछ हो गया तो मैंने वो सारी ले ली और वो मैंने खा ली। आहो आहो, पैसे लेते जाने ना, अकल आल दे कमाइए सर। आज तो पैसे लेंगे, मैं जाऊँगा। ये क्या चलाया हुआ है मैंने, और की साड़ी हाथ लगा ली पाई है, मैं तो आज पैसे ले ही जाऊँगा। सॉरी, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं अच्छे बच्चों की तरह अच्छा बच्चा आपसे बन के रहूँगा, कभी किसी का हक नहीं मारूँगा। मैं तो ये रख के किया था कि सब मेरे पड़ोसी सब अच्छे हैं, सब माफ़ कर देंगे। मैं तो कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। ठीक है पुत्र, लेकिन इस बात की माफ़ी नहीं है। ठीक है, तमाशा तुमने सुबह से किया हुआ, सबके घरों से जाकर अपने पैसे लिए और अभी आकर तो घर पर बैठ के बोल रहे चीज़ खाइए, हमें तो हमारे पैसे चाहिए। आप लोग आपस में ना लड़ो, ये नहीं आपके पैसे। ठीक है, सही है, मेरे पास ये नहीं आपके पैसे। सही है, शुक्रिया। और ये लेंगे आपके पैसे। शुक्रिया भाभी जी, दे दिए। और बेटा आइंदा से ध्यान रखना, ये महंगाई के दौर देख काम जा रहा है, आप अपने काम देखो। अरे आज के पैसे मिल गए, मगर आइंदा ये हरकत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए, छोटा सा बच्चा है वो, आप लोग आएंगे मुँह उठा के किसी को भी पैसे दे दोगे, इतने बड़े बड़े हो। भाभी जी अल्लाह हाफिज़। आपकी वजह से बस इस लड़के को छोड़ो, वरना मैं इस लड़के की हड्डी बस लिया।
तो जाओ मेरी छोटा ना जाओ, इतनी मेहनत करते हुए मुझे पता नहीं है। थक गए बुड्ढा, तभी आज इसके ये हालात हैं, झूठ बोल बोल के।